नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च किया कृषि रथ मोबाइल ऐप। केंद्र सरकार की कृषि विभाग ने किसानों के सामने आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को परिवहन की समस्या से निजात दिलवाने के लिए आज किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दरअसल इस समय में रबी फसल की हार्वेस्टिंग का समय है और देश के कई हिस्सों में अभी तक हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। वहीं जिन किसानों ने हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है उनके सामने अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रखने की समस्या सामने आ रही है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की कृषि मंत्रालय ने किसानों की मदद के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसकी मदद से अब किसान FPO और सहकारिता समूह के अलावा व्यापारियों, एजेंट और होलसेलर को सीधे ट्रांसपोर्टर से जोड़ेंगे, जिससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, वर्क फ्रॉम होम होगा काम करने का नया तरीका। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोरोना के इस दौर में हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। वह इसकी वजह से बहुत सारे लोग घरों में काम कर रहे हैं, आवाजाही कम हो और साथ ही कोरोना के फैलने के असर से बचा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की परेशानी खत्म होने के बाद दुनिया में वर्क फ्रॉम होम के नए मानदंड स्थापित हो सकते हैं। आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद ने एक मीडिया हाउस द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कि डिजिटल इकोसिस्टम अर्थव्यवस्था में इस प्रमुख बदलाव को संभाल सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए आपने क्या किया, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि भारत की महान IT सफलता किसी भी तरह से बाधित ना हो। मैं देख पा रहा हूं कि COVID-19 के बाद दुनिया में वर्क फ्रॉम होम नया मानदंड बनेगा। इतना ही नहीं, मैंने अपने विभाग से यह भी कहा है कि वह एक मॉडल पर काम करे ताकि भारत में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था आर्थिक और लाभदायक हो। PMO के प्रमुख मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। लॉकडाउन के बीच 20 तारीख से सरकारी कामकाज को शुरू करने के फैसले के बाद PMO ने शुक्रवार को 7 प्रमुख मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था के चुनिंदा क्षेत्रों में गतिविधि फिर से शुरू करने की तैयारी को लेकर चर्चा हुई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान सचिव PK मिश्रा ने की है, जहां पर मुख्य रूप से श्रमिकों को कारखाने तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही राज्यों से लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करने के लिए भी कहा गया। इसके साथ ही ई कॉमर्स जैसी सुविधाओं की भी अनुमति दे दी गई है। प्रतिबंधों में छूट का मुख्य कारण आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना और कमजोर तबके के लोगों को रोजगार प्रदान करना है। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा की अवधि 3 मई तक बढ़ाई गई। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन और इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक बढ़ने के बाद गृह मंत्रालय ने भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों का वीजा 3 मई के लिए कैंसिल कर दिया है। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने इस दौरान भारत आने वाले सभी राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी के भी वीजा के निलंबन का विस्तार करने पर निर्णय लिया है। वहीं भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिक के वीजा की अवधि बढ़ाकर 3 मई कर दी गई है। खबरों की माने तो शुक्रवार को भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए काउंसिलर सेवाएं प्रदान करने की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने जारी की है। व्हाइट हाउस द्वारा बनाई गई कमेटी में भारतीय मूल के सांसद रो खन्ना को किया गया शामिल। अमेरिका में लगातार कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कोरोना एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है, जिसमें भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना की नियुक्ति की गई है। खबरों की माने तो खन्ना एकमात्र भारतीय अमेरिकी सांसद है जिनका नाम व्हाइट हाउस के ओपनिंग अप अमेरिका अज्ञान कांग्रेसनल ग्रुप में रखा गया है, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के सांसद और सीनेटर शामिल है। इस ग्रुप की पहली बैठक गुरुवार को फोन पर हुई थी, जिसके तहत व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि इस बैठक में COVID-19 के सैंपल टेस्ट में तेजी लाने और साथ ही वेंटिलेटर, फेस मास्क और PPE किट की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हुई है। ईडी के बाद अब इनकम टैक्स ने भी कसा शिकंजा। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पर अब ईडी के बाद इनकम टैक्स ने भी शिकंजा कसा है, जिसके तहत इनकम टैक्स विभाग ने मौलाना साद के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। विभाग को शक है कि मौलाना साद ने टैक्स में कुछ हेरफेर की है, अपनी इनकम छुपाई है, साथ ही अपनी संपत्ति को सही जानकारी नहीं दी है, जिसके कुछ सबूत इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ मौलाना साद के वकील के मुताबिक मौलाना इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने एक शर्त रखी है कि जब तक 160 CRPC के तहत बयान देने के लिए बुलाया नहीं जाएगा, तब तक वो सामने नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दो नोटिस इसके जवाब में यह भी कहा था कि पहले तो वो आइसोलेशन में, फिर दूसरे में उन्होंने लिखा कि वो के स्टाफ भी जो है वो आइसोलेशन में फिलहाल चल रहे हैं, इसी वजह से वह नहीं आ सकते हैं। आपको बता दें, मौलाना साद वह व्यक्ति है जिन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन में हजारों की संख्या में तबलीगी जमात को इकट्ठा किया था, जिसकी वजह से भारत में आज कोरोना के मामले में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। राहुल गांधी ने की कोरोना के समाधान के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सेवा लेने की अपील। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सुझाव के पिटारे से सुझाव देते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से कोरोना के फैलते असर के रोकथाम के लिए समाधान तलाशने के लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डेटा विशेषज्ञों को काम पर लगाने की नसीहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना के साथ एक अवसर भी है हमारे पास, हमें अपने वैज्ञानिक, इंजीनियर और डेटा विशेषज्ञों का ऐसे समय में समाधान के लिए काम पर लगाने की जरूरत है, जिसकी अपील राहुल गांधी ने अपने ट्विटर के माध्यम से की है। सड़क
पर पड़े रहे 500 के नोट, मगर किसी ने उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। उक्त जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि हाल ही में दिल्ली के लॉरेंस रोड में घर के बाहर सड़क के किनारे 500 रुपए के कुछ नोट खुले में पड़े थे, लेकिन किसी ने भी इन नोटों को हाथ लगाने के बारे में सोचा तक नहीं। इलाके में रहने वालों ने इस नोट को तो देखा, लेकिन उन्हें लगा कि हो सकता है कि किसी ने कोरोना फैलाने के उद्देश्य से इस नोट को यहां पर गिरा दिया हो, जिसके बाद इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई, जिन्होंने सैनिटाइजिंग करने के बाद इस नोटों को लिफाफे में भरा और पुलिस स्टेशन चले गए। हालांकि इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसने एटीएम से निकाले इन नोटों को सैनिटाइजर से धोकर सुखाने के लिए रखा था और शायद हवा के कारण कुछ नोट सड़क पर गिर गए। 70% कामगारों को 20 अप्रैल से मिल सकती है राहत। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कई क्षेत्रों को खोलने की मंजूरी दी है। इससे रोजगार के साथ साथ जरूरी सामानों की उपलब्धता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। वहीं किसानों को भी राहत देते हुए सरकार ने हार्वेस्टिंग की परमिशन दे दी है। वहीं 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में छूट देने के बाद 40% अर्थव्यवस्था काम करना शुरू करेगी, जिससे कि लगभग 70% मजदूरों को राहत मिलेगी। वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भी काफी मदद मिलेगी। हालांकि क्रिश्चियन रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री डी के जोशी ने कहा है कि कोरोना से अर्थव्यवस्था को कितने लाख करोड़ का नुकसान होगा, यह अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि भारत एक विकासशील देश है, इसको संभालने की सीमित संसाधन और फंड भारत के पास फिलहाल मौजूद है। रेलवे कर्मचारियों को दफ्तर में अब करना होगा काम। कोरोना के बढ़ते असर के कारण सभी कर्मियों से घर पर रहने की अपील की गई थी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रेलवे विभाग ने 33% कर्मचारियों को दफ्तर आने का निर्देश जारी किया है। खबरों की माने तो रेलवे ने कामकाज सामान्य करने के लिए 20 अप्रैल से सभी अफसरों को नियमित रूप से ड्यूटी पर पहुंचाने का निर्देश जारी किया है। वहीं काम के दौरान शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तर रेलवे ने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी सामूहिक रूप से साबुन या सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करेगा। वहीं विभाग में कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधित सभी बातों का ध्यान रखने का भी विश्वास दिलाया गया है। जियो के इस ऐप से अपने और दूसरे का मोबाइल कर सकते हैं रिचार्ज। लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों का मोबाइल रिचार्ज करवाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो दुकानों से मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, मगर अब दुकानें बंद होने के कारण काफी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। वहीं अपने उपभोक्ताओं की दिक्कत को समझते हुए जियो ने एक नई सेवा को लॉन्च किया है, जिसके तहत अब उपभोक्ता न सिर्फ अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं बल्कि दूसरों का भी रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी थोड़ी कमाई भी होगी और आपको कमीशन भी मिलेगा। जिसके लिए जियो ने जियो एसोसिएट प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत जियो का कोई भी ग्राहक अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे अपने परिवार समेत किसी का भी जियो मोबाइल रिचार्ज कर सकता है। इसके लिए आपको जियो पास लाइट एप्लीकेशन मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा। उस पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद न्यूनतम 1,000 रुपए जमा कराने होंगे, जिसके बाद 1,000 पर 4% अतिरिक्त राशि आपको मिलेगी, यानी 1,000 का रिचार्ज करने पर आपको 1,040 रुपए मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, 20 अप्रैल के बाद सरकारी तौर पर काम का शुरू करवाने का फैसला कितना सही है कितना नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।